भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। संयुक्त किसान मोर्चा के झंडे तले 26 मई को किसानों ने कहा है कि वो काला दिवस मनाएंगे और प्रदर्शन करेंगे। हमारे साथ किसान नेता भी मौजूद है पैनल में, जिन्होंने बात कही कि नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हम ये करने जा रहे हैं कि हम पांच पांच किसान गांव में जो है निकल के आएंगे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और पुतला फूकेंगे। और इसी पे बातचीत की, आखिर इस संकट के समय में ये खतरा मोल क्यों लिया जा रहा है। डॉक्टर शुभा राव, जो कि जिनके नेता ने साइन किया है, साफ कहा कि ये गलत है। अगर डॉक्टर के नाते मुझसे पूछेंगे तो ये खतरा मोल नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। गुरु प्रकाश जी का तो मैं माफी चाहूंगा क्योंकि पैनल पे पहले नहीं बात कर पाया था क्योंकि मेहमान जुड़ रहे थे। मैं उनके पास आता हूं। नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। जो साधना भारती ने जो बात कही, धर्मेंद्र मलिक साहब ने जो बात कही, उस पर अब आप रिस्पॉन्ड करिए। गुरु प्रकाश जी, ऐसा है कि माफी की कोई बात नहीं है। हम सबको अभी, हम सब जानते हैं कि अप्रत्याशित संकट से गुजर रहे हैं और जितनी चर्चा हो उतनी अच्छी है। लेकिन दो अहम बातें मैं कहते हैं कि अपनी वाणी को विराम दूंगा। देखिए, एक तो ये है कि जैसा कि मैंने कहा कि एक क्राइसिस, एक अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस है और अभी आदरणीय सत्यार्थी जी ने भी यही बात कही। लेकिन पिछले एक वर्ष में जिस युद्ध स्तर पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लीडरशिप का उदाहरण प्रस्तुत किया है, मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। पीपी किट की क्या स्थिति थी, टेस्टिंग सेंटर की क्या स्थिति थी, तब एक था, आज 2500 है। हम लोगों ने कहा था कि वैक्सीनेशन हम अगस्त के महीने तक 30 करोड़ का आंकड़ा टच करेंगे, हम 20 करोड़ टच करने वाले हैं। तो दो प्रकार की बातें होती हैं। आप आंदोलन करिए लेकिन सुझावात्मक आंदोलन हो, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात हो, आप सजेशंस भी दीजिए। हमने देखा है किस प्रकार से टूलकिट का पूरा मामला देश के सामने उजागर हुआ है। दूसरी बात, अभी किसान आंदोलन की भी बात हो रही थी। देखिए, हम लोगों ने निरंतर ये कहा है और हम ये मेंटेन करते हैं कि हमारे नीति निर्धारण के केंद्र में गरीब, वंचित, दलित और किसान है। अभी पिछले दो पॉलिसी इनिशिएटिव्स की बात करना चाहूंगा। डाई अमोनियम फॉस्फेट, जो कि हमारे भारत में दूसरी सबसे अधिक यूज होने वाली फर्टिलाइजर है, उस पर 140% अधिक का हम लोगों ने सब्सिडी बढ़ाया है। तो ये पूरे देश के किसान कैसे लाभान्वित हों। वहीं अभी अक्षय तृतीय पे अभी 8वां इंस्टॉलमेंट जारी हुआ पीएम किसान का। पीएम किसान योजना के तहत हम लोग 11 करोड़ किसान भाइयों तक पहुंचे हैं। इसीलिए हमारे लिए अंत्योदय जब हम कहते हैं तो हमारे लिए प्रतिबद्धता है, सिर्फ नारा नहीं है। बहुत ही संकट का समय है और मैं सुन रहा था अभी कि किस प्रकार के विरोधाभास बातें हो रही हैं। आप आलोचना करिए, आलोचना के साथ साथ कंस्ट्रक्टिव बात भी करिए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात करिए। जिस प्रकार 12 के 12 राजनीतिक दल सामने आ गए हैं, और मैं तो आपका आभारी हूं कि धर्मेंद्र मलिक जी ने यह बात कही है कि प्रतीकात्मक आंदोलन होगा। यह आंदोलन प्रतीकात्मक होगा, किसान भाई अपने घर पे आंदोलन करेंगे, उसको ब्रेकिंग न्यूज बना करके चलाना चाहिए क्योंकि पूरे सोशल मीडिया में यही चल रहा है कि भाई किसान आंदोलन होगा, फिर से लोग आएंगे। आपने आश्वासन पहले भी दिया था, आपने आश्वासन दिया था कि भाई तोड़फोड़ नहीं होगा, आगजनी नहीं होगी, उद्दंडता नहीं दिखाई जाएगी। लेकिन राजधानी के सड़कों पर जिस प्रकार की उद्दंडता दिखाई गई थी वो पूरे देश ने देखा था। इसलिए आपके आश्वासन का कोई मतलब नहीं रह गया है। आप लोगों के जो जो मांगे, सरकार ने कहा है भाई आप लोगों का विरोध उस कानून के खिलाफ है जो कानून अभी लागू भी नहीं है। तो सरकार की मंशा पे प्रश्न उठाना बंद करिए। अभी हम लोगों को जो भी अलग अलग राजनीतिक दल में है, सामाजिक संगठनों में है, सरकार में साथ में आकर जवाब दीजिए कि वाराणसी के अंदर जो प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रस्ताव में रहे चंद्रलाल मिश्रा, आज उनके बेटे का लगातार आप चिल्ला रहे हैं, उनके अन्याय कर रही हैं, आप और दिल्ली के बात कर रही हैं, मुझे जरा मौका देंगे एक बार। देखिए, मैं इनके बीच में नहीं बोला था, बिल्कुल मैं दे रहा हूँ गुरु प्रकाश, मैं आपको दे रहा हूँ गुरु प्रकाश। साधना भारती दो साइंटिफिक टेम्पर, कम से कम दो डॉक्टर्स तो इस पैनल में मौजूद है ना, डॉक्टर राजय और डॉक्टर शुभा राव ने तो पार्टी से लाइन से हटकर बोल दिया। दो डॉक्टर्स तो बैठे ही है ना। तो जो आप बात कह रही हैं वो मैं गुरु प्रकाश से पूछूं या डॉक्टर राजय से पूछूं, दोनों बात वही कहेंगे। लेकिन गुरु प्रकाश, आपने कहा कि नहीं अंधविश्वास फैला रहे हैं, गुरु प्रकाश जी क्लियर करिए उसको। मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ गुरु प्रकाश जी, क्लियर करिए। मैं पूरी बात कर दूं, प्रतीक जी ये चर्चा बहुत अच्छी चल रही है। आपका जो चांस आप दूसरों के बात में क्यों बोलती है, आप दूसरे की बात में क्यों बोलती है,
आप दूसरों के समय में बोलती हैं, आप अपने संस्कारों का परिचय नहीं करके। हम लोग शांतिपूर्वक बैठे थे, हम शांतिपूर्वक बैठे थे, आप लोग टूल किट बनाइए, आप देश को बर्बाद करिए, आप टूल किट बनाइए, साधना क्या दिक्कत, साधना 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 क्या, साधना दिक्कत क्या है, साधना भारती, साधना भारती, साधना भारती प्लीज, साधना भारती प्लीज, साधना भारती, साधना भारती प्लीज टेल मी, साधना भारती प्लीज, साधना भारती आई विल गिव यू टाइम, मैं आपको टाइम दे दूंगा, आपको टाइम दे दूंगा।